प्लान में थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, और आज बारमेर से निकल जाना है। मेरा बारमेर में आज रहने का प्लान था, इसलिए सामान सब बिखरा हुआ था, सोचा था आज रात को सब कुछ ठीक ठाक करूँगा, लेकिन अभी अचानक से प्लान हो गया कि मैं बारमेर से निकल रहा हूँ जोधपुर जाने के लिए। मेरा मेन एम था कि मैं पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ जाऊँगा, लेकिन परमिशन के वजह से वो हो नहीं पाया। घर से जब निकला उस टाइम मैं 3 apple curry कर रहा था, तो अभी भी खाया नहीं वो, तो अजीब हो गया है थोड़ा। ये ओयो होटल है, होटल अंबर पैलेस, रेलवे स्टेशन का बगल में ही है। तो उस टाइम मुझे लगा 1000 rupees, मैं यहाँ पे बोला कि और एक दिन रुकूंगा मैं, तो बिना ओयो का मैंने यहाँ पे फिर से बुक किया 600 rupees, तो 400 rupees वहाँ पे कम हो गया था, लेकिन आज तो यहाँ पे रुक नहीं रहा हूँ। तो पैकिंग शैकिंग हो गया, अभी टाइम हो रहा है एक सवाई भाई और उनका अशोक सामान वामान लेके आने में थोड़ा हेल्प कर दिया है, और आपका नाम भैया जोधपुर तो पहुंच ही जाऊंगा मैं लग रहा है, ऐसा 200 किलोमीटर है और हाईवे पकड़ के जाना है, यहाँ का रोड तो अच्छा होता है तो टेंशन नहीं है। ये मेरा राइट साइड में जो देख रहे हो ये बारमेर रेलवे स्टेशन है, और रेलवे स्टेशन के आसपास बहुत सारे होटल्स हैं। ये बारमेर टू जोधपुर हाईवे, ये होटल पे खा लेते खाना। क्या लिखा हुआ है, ब्राह्मण भोजनालय। जब निकला था मैं तब सोचा था कि बारमेर से जोधपुर जाऊंगा, जोधपुर से अजमेर होकर रिटर्न हो जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मैं उदयपुर जाऊंगा। दही, चना का सब्जी, कढ़ी और रोटी बटर लगा के, और ये बिल्ली, ये खाने का चीज़ है, वो खाने का चीज़ नहीं है। बारमेर से आ रहा हूँ, जाऊँगा जोधपुर। हाँ ये कैमरा है, ऑफिस है, बॉक्स है उधर सामान वगैरह रखने के लिए। ठीक है चलते, ये जगह पे नहीं रुकने से भी हो जाता, क्योंकि थोड़ी देर बाद में खाना खाने के लिए फिर से रुकने वाला हूँ। राजस्थान का प्लान इससे पहले मैं 4 बार कर चुका हूँ, 4 बार प्लान बना बना के कैंसिल हुआ है। एक बार तो फ्लाइट का टिकट काट के कैंसिल किया मैंने, ये प्लान था कि फ़्लाइट से राजस्थान आ जाऊँगा, उसके बाद बाइक रेंट करके पूरा घूमूंगा। एक्चुअली मैं जब लद्दाख गया उस टाइम मेरा राजस्थान का प्लान था, मैंने राजस्थान कैंसिल करके लद्दाख गया, तो ऑलमोस्ट 4-5 साल का प्लानिंग के बाद अभी जाके सक्सेस हुआ है ये। और आज मुझे चलाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, रास्ता तो बहुत अच्छा है। चाय पीना बहुत ज़रूरी सा हो गया है बाबू सा। चाय पी लेते हैं, पता था मुझे नींद आएगा साला। नमस्ते नमस्ते, पता था मुझे नींद आएगा, हंसी आ रहा है खुद के ऊपर। तो अभी थोड़ा चाय पियेंगे, उसके बाद निकलेंगे। चाय आ गया, हाँ आ रहा हूँ, अंदर आ रहा हूँ। हरीश भाई, ये जगह राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले की बैतू के पास में बलोतर तहसील, और इसका नाम है भीमला स्टेशन, और ये NH-25 हाईवे है। और यहाँ जो पूरा रेगिस्तान दिखेगा आपको, पेड़ पौधे और जंगल दिखेगा, ये सामने देख लो पूरा जंगल है, यहाँ 3 किलोमीटर के एरिया में पूरा जंगल ही जंगल। ये क्या पानी है अंदर? इसके अंदर पानी है, इसके अंदर गंदा, ये इसलिए देख रहा है क्योंकि यार इसके अंदर जो पास में बबुल है ना, इसकी झाड़ियों के पत्ते अंदर। तो पानी कहाँ से पीते हो? यहाँ से ही? हाँ ये पीते यहीं से है, और क्या है कि एक्चुअली हम जो है 4-5 किलोमीटर के एरिया में ये बरसात होती है ना, उसका ही पानी है। हाँ। और घर से मंगवा लेते हैं या फिर कोई टैंकर आता है उससे भरवा के मंगवा लेते हैं, पशुओं को पिलाते हैं, और बस हमारा जीवन चलता रहता है ऐसे ही। ये बकेट देखो ट्रैक्टर के ट्यूब से बनाया हुआ है, टायर के अंदर जो होती है ना। हाँ उसके अंदर हवा भरी जाती है। सही है भाई, अच्छे से पकड़ना भाई। नहीं अच्छे से यार, गिरे नहीं, गिरने से भी इधर पानी में नहीं, नहीं पानी के अंदर नहीं गिरेगा, भर लो आराम से भर लो। ये भाई ने गिराई बाल्टी और ये भर गई है ना। ये आ गई बाहर, उधर ही डाल अंदर ही। हाँ क्या करे, मधुमक्खी कहाँ से आ रहा है? मधुमक्खी इधर बहुत है यार, बैल वगैरह वगैरह, बकरी भी हम रखते हैं, भेड़ भी रखते हैं, और उसका जो दूध निकलता है उससे ये परिवार का पालन पोषण हो जाता है, और यार खाने के लिए हो जाता है, दूध दही भी वैसे, छाछ वगैरह वगैरह। और वैसे यहाँ की जो भाषा है वो है मारवाड़ी। हाँ। मैं अगर बोलूंगा ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मारवाड़ी में बोल दो एक लाइन भाई जी। चैनल ने सब्सक्राइब करियो, सदस्यता लियो,
ये समझ में आ गया। अमित जी हाँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ के जो मुस्लिम भाई है ना हाँ। यहाँ हमारे आसपास में रहते हैं, वो भाषा बोलते हैं, थोड़ी बहुत उसके अंदर जो है उर्दू शामिल हो जाती है। अच्छा, तो उर्दू वो हमारे को भी समझ में नहीं आती, वो हमारे को यार कई बार ऐसी भाषा बोलते थे, जैसे हम बोलते हैं चाय, आप चाय बोलते हो, चाय को चाय बोलते हैं, तो हम बोलते हैं चा चा बोलते, बस हम ये नहीं बोलते, इतना ही फर्क है। और वो भाई क्या बोलते, गाड़की, समझ में नहीं आता यार, गाड़की गाड़की गाड़की। ऐसा कुछ बोलो जो मुझे समझ में नहीं आएगा। क्या बोलो यार, उर्दू मत बोलना बस, उर्दू बोलना। अच्छा अच्छा, ओके यार। मुझे बारमेर से बाइक चला के जोधपुर जाना है, और जोधपुर बारमेर से 200 किलोमीटर दूर है। मैंने बाड़मेर हूँ जोधपुर जाना, मोरसिल मत, मैंने बाड़मेर हूँ जोधपुर जाना, जोधपुर जाना, मोटरसाइकिल मत, मोटरसाइकिल मत मत, मैंने बाड़मेर हूँ, समझ नहीं, बाड़मेर नू, बाड़मेर हूँ जोधपुर जाना, मोटरसाइकिल मत, मैनू बाड़मेर जोधपुर जानू मोटरसाइकिल 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 माते, मैनू बाड़मेर वो सुर चाहिए ना, वो एसन चाहिए, वो मीटर। हाँ ये मीटर है ना। अच्छा, इस पे आप लटकोगे तो उस मीटर आपका वजन दिखेगा। अरे देखो ये इस तरीके से, ये अच्छा, ये अच्छा है यार। कितना केजी तक होता है? 100 केजी, 100 केजी, 1 क्विंटल का है। ये हेलमेट का क्या काम है? तो वो क्या खराब हो गया एक भाई के, तो ये नीचे गिरा दिया, तो हमने क्या किया इसके छेद किए, तीन तार से बांध के ऊपर लटका दिया, अंदर पानी डाल दिया, और पशु पक्षी पी जाएंगे आराम से यार। अच्छा। वो भी जीव है यार, इसलिए ये है। हाँ। इसके अंदर पानी डाल देते, पशु पक्षी इसके ऊपर रहते हैं ना, वो इसके अंदर आराम से पी जाते हैं पानी। अच्छा 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 अच्छा, सही है सही है। क्या का पेड़ है ये? शीशम का है, शीशम, शीशम। हाँ ये शीशम का, और ये नीम का है। हाँ सामने भी काफी सारे नीम है इधर। हाँ इधर नीम बहुत है। हाँ इधर नीम बहुत है। आप मेरा एक फोटो खींच दो, ठीक है? चलते हैं। हाँ बाय 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 भाई। यहाँ पे 1 घंटा चला गया मेरा। कल रात मैं जल्दी सोने जा रहा था, लेकिन गलती से मैंने अमेजोन प्राइम खोल दिया और मिर्ज़ापुर 2 में क्लिक कर दिया, मैंने गलती हो गया बस। और उसके बाद 4 एपिसोड देख के 2 बजे सोया मैं। और ये जगह से जोधपुर और 150 किलोमीटर है, 2 घंटा में सिर्फ 50 किलोमीटर राइड किया मैंने। तो शाम होते होते मैं जोधपुर पहुंच जाऊंगा। ये क्या मेरे ऊपर चढ़ा देगा क्या? पहुंच गए जोधपुर। जोधपुर को ब्लू सिटी भी बोला जाता है। जयपुर से 345 किलोमीटर दिखा रहा है, और जैसलमेर 280 किलोमीटर। जोधपुर पहुंच गया और होटल भी बुक कर लिया। होटल नहीं, हॉस्टल, बहुत सस्ता आएगा, 500 रुपये पर नाइट। होटल जगह बात करते हैं, आवाज़ नहीं आएगा। हॉस्टल जोधपुर, तो वो मेहरानगढ़ फोर्ट के बगल में ही है। और अभी टाइम हो रहा है 5:30। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं 5:30 के अंदर अंदर जोधपुर पहुँच जाऊँगा। भैया फोर्ट किधर जाना है? फोर्ट मेहरानगढ़ फोर्ट सीधा एकदम। हम पहुंच गए हॉस्टल, हॉस्टल हॉस्टल जोधपुर। तो मैं पहुंच गया हॉस्टल जोधपुर, पहुंच गया था 5:30 बजे। लगा नहीं था मुझे कि मैं 5:30 बजे पहुंच जाऊंगा, मुझे लगा 6-7 बज जाएगा, क्योंकि जो स्पीड से मैं स्टार्ट किया राइड उस टाइम बहुत स्लोली जा रहा था, और बार बार मैं रुक रहा था। मेरे पास फूल है, मेरे पास ऊँट है, मैं तुमको फूल दूंगा, तुम मुझे ऊँट दो। नहीं। अच्छा, तो अभी क्या करना है? एक लेटर आया मेरे पास, ये एक्चुअली मुझे मिला था जब मैं त्रिपुरा में था, उस टाइम ये मिला था मुझे, और ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये मैं कैरी कर रहा था त्रिपुरा से कोलकाता लाया, मैंने सोचा किसी एक वीडियो में बताऊंगा। ये पहला ऐसा लेटर है जो मुझे मिला है। नॉर्मली बहुत सारे मेल्स आते हैं, बहुत लंबे लंबे मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे, इवन ईमेल्स पे, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ही स्पेशल है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये एड्रेस उनको कैसे मिला, क्योंकि इसमें मेरे पापा के नाम है और मेरा घर का एड्रेस है, ये एड्रेस मैंने कहीं पे भी शेयर किया नहीं था। तो आज का जोधपुर मीटअप मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतने लोग, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 3-4 लोग आएंगे, क्योंकि मैसेज मैंने
दो तीन लोगों का मैसेज देखा था एक्चुअली। कोई आ जाएगा भाई। ओके थैंक यू सो मच गाइस यहाँ पे आने के लिए। हम जालम सिंह राठौड़। रणवीर राजपुरोहित। माय नेम इज रियांश कीची एंड आई एम टू हैविंग अ यूट्यूब चैनल, तो भाई के चैनल को भी सपोर्ट करो, मेरे चैनल को भी सपोर्ट करो। आपका नाम? दिया। तो भाई का चैनल है एमएड इंजीनियर, अगर अच्छा लगे तो जाके सब्सक्राइब लाइक कर देना, वीडियो देखना जरूर। Myself Zian and I am from Jodhpur. मेरा नाम भरत है और प्रॉपर जोधपुर का हूँ। अच्छा लगा। अरे थैंक यू। 70 किलोमीटर दूर से आए भैया पे। मतलब भैया का ब्लॉग इतना फाड़ू है ना भाई साहब, मैं मतलब 2 दिन पूरी रात इनका ब्लॉग ही देखता रहा। और जैसे इन्होंने डाला है राजस्थान में, मैंने कहा भाई साहब ये क्या, मतलब हमारी जन्नत में भगवान आ गए। तो भाई मतलब नींद नहीं आई रात भर, सुबह उठ के सीधा सीधा यहाँ आया हूँ। मतलब 70 किलोमीटर दूर है लेकिन फिर भी मतलब भैया का व्लॉग अगर आप नहीं देख रहे हो ना भाई जरूर देखना, एंड सब्सक्राइब नहीं किया ना कर देना भाई, और मेरा भी कर देना सड्डा राइडर नाम से। क्या नाम है? सड्डा राइडर। सड्डा राइडर। आए हैं डिनर करने के लिए, यहाँ पे खाएंगे हम लोग, क्या खाएंगे? दाल बाटी। दाल बाटी चूरमा राजस्थान स्पेशल। जोधपुर आए हो और दाल बाटी नहीं खाए हो तो क्यों आए हो जोधपुर? ये बाटी है। बाटी 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 गेहूं के बनते हैं। हाँ तो ये सेका हुआ है। हाँ ये सेका हुआ है। खाना कैसे मैं एक बार देख लेता हूँ, उसके बाद मैं खुद खाऊंगा। पहले बाटी के अंदर घी जो डाला है अपन ने उसको मिक्स कर देंगे एकदम बारीक, उसके बाद में अपन दाल को डालेंगे इसके ऊपर। फिर दाल को डाल के दाल को मिक्स करेंगे, उसके बाद में प्याज जो है प्याज से अच्छे से गार्निश करके फिर खाएंगे नींबू मार के। ये अभी गोल गोल देखा ना आपने बाटी, उसी को चूर के एकदम बारीक करके फिर उसका ड्राई फ्रूट्स में लगा के इसको। ये है बाटी का, बाटी का चूरमा। बाटी का चूरमा, बाटी का चूरमा, बाटी का चूरमा, बाटी का चूरमा, बाटी ने मई और बाटी नहीं दोनों झगड़ा कर रहे हैं। बाटी पीस लो उसमें के लिए शक्कर डाल दिया। ये ले ये, मैं सही था, मैं सही था। क्या हुआ? मैं सही था ना। अरे घरे रोटी और चूरमा बना रहे हैं। यहाँ पे आज भी रावण को नहीं जलाते, यहाँ रावण दहन नहीं होता क्योंकि रावण यहाँ का पावड़ा है, मतलब यहाँ का दामाद है। इसलिए ससुराल जो मंडोर है ना, मंडोर गए थे ना, मंडोर रावण का ससुराल, वो रावण का ससुराल है, इसलिए यहाँ पे रावण को नहीं जलाया जाता, यहाँ पे रावण का दहन नहीं होता है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे दामाद पावड़ा जिसको बोलते हैं उनको इतना मान सम्मान दिया जाता है इस वजह से। अभी जो खाया ना ये बेस्ट है, राजस्थान पहुंचने के बाद से जो भी खा रहा हूँ आज का बेस्ट। अगर आ रहे हो जोधपुर तो ट्राई करना चाहिए आप लोग। तो गाइस ख़त्म करते हैं ये वीडियो यहाँ पे, मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो पे।